यूपी के कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें यहां एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बचा है। बता दें वाराणसी से कानपुर होते हुए अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस 19168 देर रात करीब 2 बजे के बाद गोविंदपुरी के पास होल्डिंग लाइन पर पटरी से नीचे उतर गई। ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतरने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। हुई घटना के तुरंत बाद रेलवे, पुलिस और फायर विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है फिलहाल। हालांकि घटना के कारण यात्रियों में भय का माहौल देखने को मिला। रेलवे विभाग की टीमें घटना स्थल पर पहुंचकर डिब्बों को वापस पटरी पर लगाने के लिए काम में लगी है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे के विशेषज्ञों की टीम ने जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर ट्रैक की मरम्मत कर ट्रेन सेवा को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना की विस्तृत जानकारी के बाद ही साफ हो सकेगा कि हादसे के पीछे का क्या कारण है। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। एक कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी से ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जा रही है, वो उसके अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसी की सूचना पर तत्काल प्रभाव से जितने हमारे अग्निशमन वाहन हैं, 5 अग्निशमन वाहन, रेस्क्यूएंस वगैरह मौके पर भेजे गए और पुलिस के अधिकारी और सभी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तो इसमें पूरा देखा गया कि ये बनारस से साबरमती जा रही थी ये ट्रेन, जिसके कुछ डब्बे डीरेल इसमें हुए और लेकिन सभी सुरक्षित हैं यात्री, सभी को निकल गए थे पहले, बाकी को निकाल लिया गया था, कपड़े वगैरह चेक कर दिए, किसी भी तरह का कोई इंजरी और इसमें कोई नहीं। बता दें इस हादसे के बाद कई ट्रेनें कैंसिल भी की गई हैं, जिनमें बी झांसी लखनऊ, वी झांसी लखनऊ जंक्शन, कानपुर मानिकपुर, कानपुर वी झांसी ग्वालियर इटावा, ग्वालियर भिंड, जबकि 3 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है।